आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलाव और रैन बसेरे को लेकर नगर निगम की तैयारी। उत्तराखंड में बढ़ती सर्दी को लेकर देहरादून नगर निगम के अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बोडियाल का कहना है कि ठंड से बचने के लिए प्रदेश में जगह जगह अलाव व रैन बसेरा की व्यवस्था की जा रही है। उनका कहना है कि हमने 37 लोकेशनों जैसे ISBT, दिलाराम चौक, घंटाघर, सर्वे चौक इत्यादि पर रोज शाम को अलाव जलाने की व्यवस्था की है। और उन्होंने बताया कि नगर निगम के जो प्रमुख रैन बसेरे हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर चुना भट्टा व लालपुर के पास स्थित हैं, उनमें भी ठंड से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में कंबल व बिस्तर उपलब्ध है और इसकी साफ सफाई पर भी कड़ा ध्यान दिया जाता है। लगातार हम लोग ठंड से बचाव के लिए 37 लोकेशन में हम लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, शाम को डेली दिलवाते हैं। और जो मुख्य हमारे ISBT है, सर्वे चौक है, दिलाराम चौक है, मसूरी डाइवर्जन है, और इसके अलावा जो भी हमारे प्रमुख स्थान है, घंटाघर है और यह दोनों हॉस्पिटल के सामने हैं, वहाँ पे हम लोग जलवाते रहते हैं। और तीन हमारे जो नगर निगम के रैन बसेरे हैं, एक ट्रांसपोर्ट नगर में है, एक हमारा चूना भट्टा में है और तीसरा हमारा लाल पुल पर है, जो पटेल नगर कहते हैं। और हमारे पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, बिस्तर है, कंबल है और साफ सफाई का व्यवस्था हमने रखा है। वहाँ भी हम लोग डेली अलाव जलाते हैं। इसके अलावा एक चुक मोहल्ले में भी एक रैन बसेरा जो NGO चलाती है। और आज के रैन बसेरा में जो नीडी पर्सन वो लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, 5-10 स्टाच लोग आ रहे हैं और वह भी मैक्सिमम हमारे पटेल नगर वाले में आ रहे हैं। चुक वाले में तो है ही है, जो NGO का व्यवस्था पहले से ही है, वह तो हमेशा चलता रहता है। और ठंड से बचाव के लिए हम लोग जो कम्बल भी हमारे पास है, समय 2-4 दिन में हम लोग उसको भी बांटने की कोशिश करेंगे। अलाव का आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कल डिमांड है कि मेहवाला में भी जला लिया जाए, हम सोच रहे हैं कि आज फलान हम चार के मेहवाला में हम जलवाएँ। और हमें भी महसूस होता है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर अलाव की आवश्यकता, तो उस चीज़ को हम लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं, लोग की डिमांड में भी करते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर 4 रैन बसेरा है, जो एक NGO चलाता है, 3 हमारे पास है। एक रैन बसेरा हम लोगों ने एक वैकल्पिक रूप में रखा है, जो बलबीर रोड में हमारे इतने कम के हॉल है, 2 हॉल है ऊपर नीचे, बाई चांस ज्यादा संख्या में ऊपर आते तो हम वहाँ भी उनके रहने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। देहरादून से राकेश कुमार की रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहोगे इजाजत, नमस्कार।